एक बार पुनः उपस्थित सभी कीर्तन प्रेमियों को प्रणाम कर रही हूँ। जय हो। बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या बढ़िया। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक मैं श्रोताओं को पा रही हूँ। और क्या बचे? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी स्वयं के लिए बजा लें। बहुत धन्यवाद है। बजाइए। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत सालों पहले मैं इस मंच पर आई थी, तब भी मैंने ऐसा ही प्रांगण देखा था और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल। हेलो हेलो, ये दूसरे नंबर देख लीजिए आप, दूसरे नंबर का माइक देख लीजिए। गोपाल को देखो, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। गोपाल को देखो, छवि गोपाल की देखो, कैसी छवि गोपाल की। हेलो 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 हेलो। कोई भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए खड़ा होता है, चाहे भैया लालमन चंचल जी हो या ये कल्पना द्विवेदी हो या अन्य कलाकार हो, जैसे कि हम लोग। सबसे पहले स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आवाहन करते हैं, कहते भैया आइए और दोनों कलाकारों की बारी में विराजमान हो जाइए, जय हो, जिससे आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। जय हो। फूल देता है तो डर लगता है। तो माँ दोनों कलाकारों के बारे में विराजमान हो जाइए। जय हो। क्योंकि बात जब मांगने की आती है तो बच्चे केवल माँ के पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। क्यों क्यों माँ से क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब भी बड़े भैया माँ कहेंगे तो मुंह खुल जाएगा। माँ माँ तो माँ के सामने बच्चा मुंह खोल के मांग लेता है। और क्या? और आप कहेंगे बाप तो बंद हो जाएगा। हाँ, जब कहेंगे बाप तो मुंह बंद हो जाएगा अपने आप। चाहे बाप कहो चाहे आप, मुंह बंद होगा। तो भैया हम बच्चे क्या, हमने तो यहाँ तक जाना है कि तेरी ममता के चल Thank you.
देखे बारीकियां बहुत सुंदर कदमों में भी जन्नत होती है। ऐ मैया धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। भक्त करे मैया से माँ तेरे कर कमलों से मैया पाएंगे। लेकिन भैया इतनी कृपा कर दीजिएगा कि जो उम्मीद लेकर के ये लोग बैठे हैं उस पर हम लोग खरा उतर सके बस। ये ऐ मैया मैया नहीं खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ।
तेरे कर कमलों से मैया सदा लक्ष्मी बरसती है, तेरे पतिये पखारन को, तेरे पतिये पखारन को स्वयं गंगा तरसती है। Oh,
साहब फिल्म की पंक्तियां कर रही हैं क्या साहब? कि लाल चुनरिया लाल चुनरिया बढ़िया जितने भी गोपाल हैं आपने लाने का प्रयास किया है बढ़िया। फिर आपने नंदलाल ब्रजलाल यशोदा का लाल लाल को भी काटा है और क्या। फिर आपने माखन चोर चित चोर चोर को भी ले लिया है और क्या। चोर चाहे जितनी चोरी कर ले लेकिन हम सब बचेगा नहीं। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ताहे अहीर की छोचर छोकरियां छचिया भर छाछ पर नाचना चाहते हैं जे। लालू भैया बढ़िया गीत है बहुत अच्छा। जरा सुनिएगा जवाब को। हालांकि कलाकार कुछ ना कुछ प्रयास तो करता है कोई भी कलाकार हो और क्या। लेकिन लालवन भैया मैं जवाब जो देने जा रही हूँ दिल खुश हो जाएगा और क्या। कि हर शाम हर हर शाम किस
हाथ के पीछे कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि कुछ तो असर होता है मोहब्बत में। देखो कुछ तो असर होता है मोहब्बत में। परिया गोरी राधिका सावले श्याम की दीवानी नहीं होती, क्योंकि प्रेम के रिश्ते कुछ ऐसे निभाए गए, प्रेम नगर में कई आए और गए। गरम दूध राधा ने पिया और छाले किशन के पाए गए। अब के ऐलान भैया कि चाहे सुख धाम कहो चाहे छवि धाम चाहे घनश्याम कहो, चाहे सुख धाम कहो चाहे छवि धाम कहो चाहे घनश्याम कहो, चंपा के बिहारी कहो ब्रज के बिहारी कहो चाहे मुरारी कहो, जैसे जैसे यमुना के मन में छवि बस गई है पद्मधारी की, जैसे यमुना के मन में छवि बस गई है पद्मधारी की, वैसे पूजा भैया वैसे पूजा के मन में छवि बस गई मुरली धारी की। लाल मंदिया प्रयास सुनेगा अच्छा लगेगा। ये हमारे भाई रंजीत सोनकर जी 17 सितंबर को विशाल जवाबी कीर्तन गंगागंज में होने जा रहा है, जिसमें पार्टियां एक यही है और एक हमारे भाई सुशील दिनकर जी प्रयागराज से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया 101 वत मुद्राए हैं भैया रंजीत सोनकर जी आपकी तरफ से हैं, धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिए सुनिए कि सुनो ग्वाल बालों में किसन बाल माता, वाह कि सुनो ग्वाल बालों में किसन बाल माता, कंस क्या करेगा उसका बाल भांगा, कि राजा बलि की पुत्री पूतना है तो स्तनपान कर दे मगर पूतना है, और इतना ही नहीं बड़े भैया भैया जैसे ज्ञानी के मन में छवि बस गई है गिरधारी की, जैसे ज्ञानी के मन में छवि बस गई है गिरधारी की, जैसे ज्ञानी के मन में छवि बस गई है पंखधारी की।
छवि बस गई है चक्रधारी की। बस गई लीला मुझे एक गीत और देना है। चूंकि अब सुनने वाले बैठे हैं और क्या बहुत ही अच्छे रचनाकार भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारे मनोज सैलानी जी मंडल के संचालक चाचा हमारे मिश्रा जी, और क्या आपको भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। गीत सुनिएगा, सुनिए गीत सुनिएगा। और ये सब जवाबी पीतल के प्रेमी बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो उसी तरफ ले चल रही हो लालू भैया। आपकी तरफ से जैसा गीत आया मेरी तरफ से छोटा सा गीत, छोटा सा गीत। बहुत पहले गीत बजा था फिल्म देखने वाले कह रहे हैं क्या बेटा क्या। अरे रे सब पाए रूप सलोना, Thank you.
बिनौरा से बैधनीस गौतम की ओर से 21 पद मुद्राएं हैं और ये एक डायरी और 51 पद मुद्राएं और एक पुष्पमाल भाई हमारे अवशेष श्रीवास्तव जी रायबरेली भैया की ओर से इसे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद बच्चा। ये भाई हमारे सुशील शुक्ला जी पथरावा बस स्टेशन प्रभारी है आप 101 पद मुद्राए हैं और राकेश तिवारी जी एटीटी रायबरेली डिपो आपकी तरफ से भी 101 पद मुद्राए हैं। धन्यवाद है। और ये विमल सोनकर जी चालक रायबरेली डिपो आपकी तरफ से 51 पद मुद्राए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई हमारे लालमन जी। बहुत हल्का सा गीत सुनेगा और क्या। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी देवी हमने सुना कि लेडीज फर्स्ट है। मेरी भी इच्छा है कि एक बार मुझे भी अवसर मिले। मैया ने कहा ठीक है भोलेनाथ चलो 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 चलो। मैया भगवती भोलेनाथ से करने लगी भोलेनाथ भोलेनाथ अरे चल अवनासी अवनी पे Thank you.
कोई समझ ना पाए, अरे ऐसी माया रचो विलक्षण, कोई समझ ना पाए, अरे नंद गांव के यही समझे के लाल जसोदा जाए। तो चल अविनाशी अवनि पे, अरे तू मेरी बाती में तेरा दीपक बन के जोत जलाएंगे, लीला नई दिखाएंगे, क्योंकि नाथ क्या रखा मरघट पे, चलो चले अब पनघट पे, बन के गोरी और मैं काला। तुम गोरी बन जाना राधा, और भवानी करी मैं काला वाला जाऊंगा का नहीं है। जय हो। अरे बन के गोरी और मैं काला, मुरली माधोरे बजाए, निरंतर होगा। जब रसरी से बांधे जसोदा को दो अंगुल का आए अंतर होगा, दोलवासी होंगे अचंभित ऐसा कृत्य करूंगी। और ये इसने जब प्राप्त हुआ है सम्माने हमारे दादा संजय बस्ती जी, भी हमारे विनू बाजपेयी जी, विनोद चंद्र जी, भी हमारे शैलेंद्र त्रिवेदी जी, आर्यभट्ट कीर्तन परिवार की ओर से एक बार जोरदार तालियां पुनः हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशाल जवाबी कीर्तन 6 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें पार्टियां हैं एक यही और दूसरी पार्टी आदरणीय राखी आजाद जी पूरे ही जालो। स्थान बालेश्वर मंदिर ग्राम का पोस्ट बारकोट तहसील तिलोई जनपद अमेठी। आप लोग अवश्य पधारिएगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम हमारे भाई शैलेंद्र त्रिवेदी जी का हर वर्ष होता है कजरी तीज के उपलक्ष्य में। तो इस बार भी बड़ा भव्य आयोजन रखा गया है। एक बार भैया फिर से आपने अपने मंच पर आने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भैया रंजीत सोनकर जी, आप हमारे बीनू वाजपेयी भैया का सम्मान करना चाह रहे हैं, तो बीनू भैया आप मंच पर आ जाएं। हमारे रंजीत भाई आपका सम्मान चाहने वाले हैं आपके। हाँ, गाना भी होता रहेगा, सम्मान भी चलता रहेगा। और ये भाई अनूप श्रीवास्तव जी परिचालक हैं आप, 101 मुद्राएं हैं आपकी ओर से। ये
संगीत मास्टर प्रतापगढ़ से ढोलक वादक के लिए 51 पद मुद्राएं ले ले बेटा। संगीत मास्टर के हाथों से पुरस्कार मिला। पैसा उड़ रहा है तुम्हारा। ये भैया लल्लू प्रसाद जी प्रयागराज आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं हैं। समर यादव ड्राइवर साहब दूलीखेड़ा उन्नाव आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं हैं। और ले बेटा ये भी बोल दो। और ये अनजाना एंड सैलानी पार्टी रायबरेली आईटीआई रायबरेली श्रीकांत वाजपेयी जी की तरफ से 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद है, स्वागत है। सुनिए सुनिए बड़े भैया करोगी अरे काली तहे में नागनाथ के फड़ी पर नृत्य करोगी तो चल अविनाशी अवनी पे अरे तू मेरी सरिता पे तेरा सागर बन के एक हो जाएंगे लीला नहीं दिखाएंगे आके ब्रह्मा हारेंगे अरे पृथ्वी के संसाय हेतु ब्रज में हम कई रूप धरेंगे मैया करी हम उतने ही रूप धारण कर लेंगे और क्या तो चल अब नासी अग्नि पे के तू मेरी दुल्हन अरे
संचालक हमारे आदरणीय चाचा रमेश प्रकार मिश्रा जी, संचालक मनोज सैलानी रायबरेली पार्टी, आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हृदय से प्रणाम करी हूँ चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आगमन के लिए, ढेर सारा धन्यवाद है। और आप लोग ये 10 सितंबर को कार्यक्रम सुनने जरूर आए, लेकिन पता नहीं लिखा चाचा आए कहाँ, जबरेला कालू खेड़ा, जबरेला कालू खेड़ा उन्नाव में 10 सितंबर को कार्यक्रम है, जिसमें एक पार्टी यही है और दूसरी पार्टी हमारे भाई मनोज सैलानी जी रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय चाचा रमेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भैया लालमन जी, उससे पहले भाई हमारे शैलेंद्र वेदी जी आइए। हेलो, एक बार पुनः भगवान वृंदावन बिहारी लाल की छठी मनाई जा रही है, तो आप लोग वृंदावन बिहारी लाल का जोरदार जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा गया है कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम में ना बिल्कुल शोर होना चाहिए। क्या हुआ इस भीड़ में अपने पराए हो गए, कम से कम कल्पना द्विवेदी के लिए तो तालियां जोरदार होना चाहिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है सम्मान्य बहन जी, चाहे जवाबी कीर्तन का क्षेत्र हो या कुश्ती का मैदान, हमारी बहन बेटियां हम भाइयों से कंधा मिला करके साथ दे रही हैं। चंद पंक्तियां श्रीमती कल्पना द्विवेदी जी आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं। कहा गया है कि कौन कहता है नारी अबला है, कौन कहता है नारी अबला है, इंद्रा ने पूरे विश्व से लोहा मनवाया है, माया मुलायम दिखी राजा, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, अरे बड़े बड़े पहलवान पति भी ना बन सके, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनकर दिखाया है। ऐसा कीर्तिमान हमारी बहन बेटियों का है और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ अपने प्रिय बड़े भ्राता सम्मानीय पंकज मिश्रा, जो एक सफल और सक्षम कीर्तनकार हैं,
जिनकी बदौलत ये विशाल मंच फिर से प्रारंभ हो गया है। भैया जी आपके लिए इतना कहना है कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। आदरणीय पंकज मिश्रा जी, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। अरे दावा नल कर सकते हो तुम दहेज रहे अंगारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। अरे तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है। अरे तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। अगर इसी तरह रायबरेली बस स्टेशन पे आप कीर्तन कराते रहे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। और हमारे आर्यावर्त परिवार के अध्यक्ष दादा श्री दीनू वाजपेयी जी और हमारे संरक्षक दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, आप दोनों बड़े भाइयों के द्वारा 201 रुपए प्राप्त हुए हैं। आप कालू खेड़ा से उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।